हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रिंकू। वेलकम टू स्टडी इनसाइडर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं पीएसटेट जो 2019 में होने जा रहा है, जिसका जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीएसटेट के लिए जो बेस्ट बुक्स कौन सी होंगी, कैसे इसकी प्रेपरेशन कर सकते हो और कैसा इसका पैटर्न और सिलेबस होगा। आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि कैसे हम इसकी जो बुक्स चूज़ कर सकते हैं, कैसे हम इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसे आज हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें उन लोगों की जो बिना बुक्स के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, फ्रेंड्स आप बिना बुक्स के भी प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो नोट करने पड़ेंगे। अगर हम बात करें पेपर वन की, पेपर वन के लिए आपको फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास तक की एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी और इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर करने पड़ेंगे एंड जो हमने टीचिंग ट्रेनिंग के टाइम जो बुक्स करी हैं उनकी जो आप प्रिपरेशन करें आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर लेंगे। अगर हम बात करें पेपर टू की, उसके लिए आपको सिक्स्थ क्लास से लेकर एट्थ क्लास तक की एनसीईआरटी बुक्स करनी पड़ेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हो गए और जो टीचिंग ट्रेनिंग के टाइम जो बुक्स करी हैं हमने उनकी आप प्रिपरेशन करें, आपकी जो प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं हमारी जो सिलेबस, इसमें कैसा इसका सिलेबस होगा। अगर हम बात करें पेपर वन एंड पेपर टू की, उसमें हमें पता है इसमें तीन सब्जेक्ट सेम होते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, इंग्लिश एंड पंजाबी, जो 90 मार्क्स के होते हैं। इसके लिए जो कौन सी जो बेस्ट बुक्स होंगी, जो अदर सब्जेक्ट हैं उनके लिए कौन सी बेस्ट बुक्स होंगी, उसे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम बात करें इसकी प्रिपरेशन की, अगर आप इस टेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी क्लिक करें, क्योंकि फ्रेंड्स हम इस चैनल पे जो साइंस, मैथमेटिक्स, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ के रिलेटेड जो वीडियोज़ अपलोड करते हैं, आप अच्छे तरीके से आप इस चैनल के थ्रू अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हो। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं हम पीएसटेट जो बुक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और आज की हमारी जो वीडियो है शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, हमारी आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सिलेबस एंड पैटर्न की। जो पेपर वन है फॉर प्राइमरी स्टेज, इसमें पांच सब्जेक्ट होते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें 30 क्वेश्चन आते हैं और इसका जो एक कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड का कंसेप्ट होता है और दूसरा जो लर्निंग एंड पैडागोजी का एक सेक्शन होता है। जो लैंग्वेज वन पंजाबी है, इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन इसमें लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन के होते हैं और 15 क्वेश्चन पैडागोजी के होते हैं। इसी तरह जो लैंग्वेज टू है इंग्लिश, इसमें 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन के होते हैं और 15 क्वेश्चन पैडागोजी के होते हैं। इसी तरह जो मैथमेटिक्स है, इसमें कंटेंट और पैडागोजी के 30 क्वेश्चन आते हैं और कंटेंट और पैडागोजी के 30 क्वेश्चन एनवायरमेंटल स्टडी के आते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे सिलेबस एंड पैटर्न फॉर पेपर टू के लिए, जो अपर प्राइमरी टीचर के लिए होता है। इसमें पांच सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि हमने बात की थी, इसमें जो तीन सब्जेक्ट होते हैं वो सेम होते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, लैंग्वेज वन पंजाबी एंड लैंग्वेज टू इंग्लिश। और आगे जो इसमें मैथ और साइंस का जो कॉम्बिनेशन है, इसमें 60 क्वेश्चन होते हैं, जो मैथ और साइंस के मिला के 30 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन होते हैं। और जो मैथमेटिक्स में कंटेंट और पैडागोजी के 30 क्वेश्चन आते हैं और कंटेंट और पैडागोजी के 30 क्वेश्चन साइंस के होते हैं। और जो सोशल स्टडी और सोशल साइंस है, इसके 60 क्वेश्चन होते हैं, जिसको डिवाइड किया गया है हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सोशल पॉलिटी में और इसके 10 क्वेश्चन पैडागोजी के होते हैं। सो अब हम बात करते हैं हमारी बुक्स के बारे में, जो हमारी जो पीएसटेट के लिए जो कौन सी बुक्स हैं जो बेस्ट होंगी। सो हम एक एक करके सभी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। हमारे पास यहाँ पे तीन बुक्स हैं, विले की, पियर्सन एंड दिशा की। ये तीनों बुक्स जो पेपर वन एंड पेपर टू के लिए हैं। जो विले की बुक है ये बहुत ही इसमें अच्छा कंटेंट दिया गया है और इसमें लास्ट ईयर जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं और आपको 500 से ज़्यादा जो MCQs मिल जाएंगे और फुली सॉल्व जो मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और जो हमारी पियर्सन की बुक है, इसमें आपको बहुत सारे जो मॉडल पेपर मिल जाएंगे, जो प्रैक्टिस सेट के लिए आपको बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे और ये संदीप कुमार जी के द्वारा लिखी गई है, बहुत अच्छी बुक ये मानी गई है। और जो दिशा की बुक है, इसमें जो CBSE पैटर्न से सिलेबस दिया गया है और आपको जो प्रैक्टिस MCQ एक्सरसाइज के लिए मिल जाएंगे, जो भी बहुत अच्छी बुक मानी गई है। इसमें आप कोई भी जो बुक है बाय कर सकते हो, इनका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा नहीं है और जो इनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आगे हम बात करते हैं हमारी लैंग्वेज टू पंजाबी की। सो जैसे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि जो पंजाबी लैंग्वेज की जो प्रिपरेशन वो कैसे की जाए, सो हमारे पास दो बुक्स हैं। जो फर्स्ट वन है वो है बाय इंद्रदेव सिंह नंद्रा जी द्वारा लिखी गई है और जो बेस्ट बुक है वो फॉर टीचिंग ऑफ पंजाबी लैंग्वेज के लिए है और इसे 21st सेंचुरी द्वारा पब्लिश किया गया है, बहुत अच्छी बुक है, इसका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो दूसरी बुक है वो है सुरजीत सिंह कालरा जी द्वारा लिखी गई है और इसका जो प्राइस थोड़ा ज़्यादा है एंड इसमें जो ऑडियो CD आपको इसके साथ इंक्लूडेड होगी। अगर आप बेसिक से जो पंजाबी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये वो बहुत अच्छी बुक मानी गई है।
अब हम बात करते हैं हमारी लैंग्वेज टू इंग्लिश पैडागोजी की। अगर हम बात करें इसमें जो बेस्ट बुक है वो है भाई नीतू सिंह मैम जी द्वारा लिखी गई हुई, और इसे केडी पब्लिकेशन ने पब्लिश किया है। इसमें जो पूरी आपकी ग्रामर है इसे कवर किया गया है बहुत अच्छे तरह से, इसमें कंटेंट दिया गया है। इसमें जो इसके टू पार्ट हैं वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, जो इसका प्राइस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको इसका लिंक है जो नीचे मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं हमारी मैथमेटिक्स एंड पैडागोजी की। इसमें जो पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए जो बेस्ट बुक्स मानी गई हैं वो 2 हैं। जो फर्स्ट 1 है वो है पियर्सन की, इसमें आपको जो चैप्टर वाइज आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। उसके बाद आपको उसमें जो प्रैक्टिस सेट के लिए क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, उसको आपका सोल्यूशन भी आपको इसमें मिल जाएगा। इसका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो इसमें दूसरी बुक है वो है डॉक्टर RS अग्रवाल की, जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे इसमें बहुत अच्छे तरह से चैप्टर वाइज कंटेंट दिया गया है, बहुत अच्छी बुक मानी गई है। सो आगे हम बात करते हैं हमारी मैथमेटिक्स एंड साइंस पैडागोजी की। हमारे पास 2 बुक्स हैं, एक है अरिहंत एंड एक है जो पियर्सन की। ये दोनों बुक्स पेपर 2 के लिए हैं, जो 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक होता है। और ये मैथमेटिक्स एंड साइंस के लिए है, और इसमें चैप्टर वाइज इसकी पैडागोजी एंड कंटेंट दिया गया है, जो बहुत अच्छी बुक मानी गई है। इसमें दोनों में से आप कोई भी जो बुक है बाय कर सकते हो, और इनमें आपको जो जो मॉडल टेस्ट पेपर भी आपको इसमें इंक्लूड होंगे, जो बहुत अच्छी बुक्स मानी गई हैं। आगे हम बात करते हैं हमारी जो इन्वायरमेंटल स्टडी है एंड उसकी जो पैडागोजी है जो पेपर 1 के लिए होती है, जो इसकी जो बुक है वो है बिले की, जो बहुत अच्छी बुक है। अगर हम बात करें जैसे कि हमने पहले बात की है, जो अगर आप इन्वायरमेंटल स्टडी की जो अच्छी प्रेपरेशन करना चाहते हो तो आपको जो 1st क्लास से लेके 5th क्लास तक की जो NCERT बुक्स पढ़ें उससे आपकी जो बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। अगर आप ऐसे कोई बुक्स पढ़ना चाहते हो तो जो बिले की बुक्स है जो बहुत अच्छी बुक है, इसका जो प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। सो अब हम बात करते हैं सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस एंड पैडागोजी की, जो पेपर 2 के लिए होता है। हमारे पास 2 बुक्स हैं पियर्सन एंड अरिहंत की। जो पियर्सन की बुक है वो संदीप कुमार जी द्वारा लिखी गई है एंड जो पेपर 2 के लिए है। इसमें आपको जो चैप्टर वाइज कंटेंट मिलेगा और उसके साथ आपको मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे। जो अरिहंत की बुक है जो बहुत अच्छी बुक है, इसमें आपको सॉल्ट जो लास्ट ईयर पेपर मिलेंगे और बहुत सारे MCQs मिलेंगे। अगर हम बात करें हमारी NCERT की बुक्स की, उससे भी आप बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हो, जो हमारी 6th क्लास से लेके 8th क्लास तक की जो NCERT बुक्स होती हैं। अगर फ्रेंड्स आप जो पेपर 1 की जो ऑल सब्जेक्ट की बुक की बात करें तो हमारे पास बिले की बहुत अच्छी बुक है, जिसमें आपको पूरे सब्जेक्ट का जो पूरा कंटेंट मिलेगा जो 1st क्लास से 5th क्लास तक का है। सो फ्रेंड्स ये थी हमारी बुक्स की पूरी जानकारी, इनका जो पूरा लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर भी कर दें, और हमारा जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। सो फ्रेंड्स हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।